आज हम लोग बात करेंगे एक टीबी के टेस्ट की, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि एक अगर किसी पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को इसको टीबी है तो वो ज़रूर उसको कराता है कि वो टीएसटी ट्यूबरक्यूलिन स्क्रीन टेस्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेंटॉक्स टेस्ट, भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी फोर आर्म होती है, ये जो हमारी फोर आर्म है इसमें क्या होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है, पीपीडी नाम से वो इंजेक्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो इसमें टीबी के एंटीजेंस रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि 0.1 ml इंजेक्शन दिया जाता है फोर आर्म में 0.1 ml इंजेक्शन दिया जाता है पीपीडी का। तो बेसिकली जब पीपीडी लगता है इंट्राडर्मली तो ब्लेब फॉर्म होता है, अगर ब्लेब फॉर्म आपका नहीं हुआ है तो वो इंट्राडर्मल नहीं लगा है, वो सबक्यूटेनियस लगा है, इसी के लिए ब्लेब फॉर्म होना ज़रूरी है अगर इंट्राडर्मली इंजेक्शन लगाए तो। तो जब वो ब्लेब फॉर्म हो जाएगा तो जैसे इंजेक्शन पीपीडी का लगा उसके 72 घंटे बाद, मतलब उसके 3 दिन बाद क्या होता है, आपका इन ड्यूरेशन फॉर्म हो जाता है। जैसे सपोज मेरे को इधर फोर आर्म पे लगा तो इन ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, हार्डनेस, मतलब गांठ जैसा बन जाना। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उसमें क्या होगा, अगर वो टीबी है वो पेशेंट को, तो वहाँ पे गांठ बन जाएगी। और वो गांठ बेसिकली कितनी होनी चाहिए, 15 mm की गांठ होनी चाहिए, 15 mm तक की गांठ होनी चाहिए, तो हम लोग उसको टीबी कंसीडर करते हैं। अगर ये गांठ नहीं बनती तो उसका टेस्ट नेगेटिव है। अगर वो बन गया 15 mm का गांठ इन ड्यूरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो पेशेंट क्या है, टीबी पॉजिटिव है। तो इसको ये होता है अपना प्योरीफाइड प्रोटीन ट्यूबरक्यूलिन स्क्रीन टेस्ट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेंटॉक्स टेस्ट। तो ये बहुत ही चीप भी होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें मेंटॉक्स टेस्ट की, तो यहाँ पे बहुत बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें ये फाल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, मतलब व्यक्ति को टीबी नहीं है फिर भी मेंटॉक्स टेस्ट उसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एक बात और मैं बता दूँगा इसके पहले, ये बताने के पहले, जो टीबी का टेस्ट है, जो टीबी का टेस्ट मेंटॉक्स टेस्ट होता है वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है, या तो व्यक्ति को इस समय टीबी हुआ है या तो उसको कभी टीबी हुआ होगा पहले। तो ये दो चीज़ें हैं ध्यान रखने का। तो ये क्लियर होता है कि या तो पहले उसको टीबी हुआ था या फिर अभी उसमें टीबी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब इंजेक्शन लगता है तो एंटीबॉडी क्या करती है, उस एंटीजन से रिएक्शन करती हैं। तो वहाँ पे इम्यूनिटी का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से, जिससे वहाँ पे गांठ बन जाता है अगर टीबी है तो। तो अगर मेंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब या तो व्यक्ति को अभी टीबी है या पहले टीबी हुआ होगा। अब ये हो गया। अगर हम लोग देखेंगे तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को टीबी नहीं है फिर भी वो बता रहा है कि उसमें क्या है, टीबी है, ऐसा करके व्यक्ति को टीबी नहीं है फिर भी वो बता रहा है उसको टीबी है। तो एक इसमें होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक होता है माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है, जो कि अटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है। इसमें व्यक्ति को टीबी नहीं होती फिर भी बताता है उसको टीबी है, ऐसा करके, क्योंकि उसमें प्रोटीन जो होता है सेम होता है। और एक और होता है फॉल्स निगेटिव टेस्ट। फॉल्स निगेटिव कब बताता है, फॉल्स निगेटिव का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को टीबी है पर उस टेस्ट से पता नहीं चल पा रहा है कि व्यक्ति को टीबी है, मतलब व्यक्ति को टीबी हुआ है पर वो टेस्ट क्या हो रहा है, झूठा निगेटिव आ रहा है पर उसको टीबी है। तो बेसिकली ये किस केस में होता है, जैसे एड्स का कोई पेशेंट हो गया तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है पहले से वीक होती है, इसलिए इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो जो टेस्ट होता है फॉल्स निगेटिव आता है। तो जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं, अगर उसमें इन ड्यूरेशन मतलब जो हार्डनेस होती है, अगर वो 5 mm तक भी हो गई, नॉर्मली कितना होना चाहिए, 15 mm तक होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, पर अगर वो 5 mm तक भी हो गई तभी भी हम लोग उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। और जैसे हमारा सार्कोडोसिस हो गया या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब में फॉल्स निगेटिव आता है, मतलब व्यक्ति को टीबी है या फिर टीबी थी पर इस समय नहीं बता रहा है, क्योंकि ये डिजीज़ में जो इम्यूनिटी होती है बहुत वीक होती है। तो ये अपना मेंटॉक्स टेस्ट हो गया। तो मतलब होप आपको ये पूरा मेंटॉक्स टेस्ट समझा होगा क्या होता है कैसे होता है। तो अगर मतलब मैंने जो सिम्टम बताए थे, तो ये एक बार ये टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए, जैसे जो जो मैंने कल बताया था, मतलब जो वीडियो मैं पहले डाला हूँ टीबी का वो देख के ये सब आपको ये टेस्ट आपको करा लेना चाहिए मेंटॉक्स टेस्ट। तो ये छोटा सा वीडियो था मेंटॉक्स टेस्ट, डिटेल में तो बहुत सारे बता सकते हैं इसके बारे में, पर मतलब जो नॉर्मल आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए उसके बारे में ये थी ये चीज़ें।
तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी ऐसा दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं वो टेस्ट रिलेटेड या फिर जो टीबी का ऐसा कुछ भी लक्षण आपको लगता है या फिर आप कंफ्यूज है, कुछ पेशेंट होते हैं जो हेल्थ को लेके कॉन्जेसनेस होते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों देखते रहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके पूछे ज़रूर मुझसे। और एक बार हाँ, अगर आपको टीबी है तो आप ध्यान रखने का, उसमें जो आपका ESR आता है या फिर लिम्फोसाइट आता है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है, वो ध्यान रखने का। लिम्फोसाइट या फिर ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा अगर आपका टीबी है तो, ये भी एक आपका हो गया। तो ये था मेंटॉस टेस्ट के बारे में, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सो होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पूछो, मतलब कि आपको क्या क्वेरी है, क्या प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ पूछो एक बार करके।